12 de... अपा एवं मे सातवो अपा एवं श्रीमती
पर सतगुरु की शरण
शक्ति
अनुकंपा एवं शुभ दृष्टि से तथा सात्विक मुखाशिल्पी के वात्सल्य एवं मुख्य नियोजिका जी की प्रेरणा तथा साध्वी वरिला जी की सास संभाल एवं सतत मार्गदर्शन में मैंने निश्चिंतता का जीवन जिया। गुरुदेव दीक्षा लेने के कुछ समय पश्चात आप श्री ने मुझे आदरणीय मधुर प्रज्ञा जी सम्मी जी के संरक्षण में रखा। गुरुदेव मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे समन्वय श्रेणी में सबसे पहले दीक्षित होने वाले सम्मी जी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के दिन मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आदरणीय सम्मी मधुर प्रज्ञा जी सम्मी शुभ प्रज्ञा जी एवं मनन प्रज्ञा जी सम्मी जी के प्रति जिनका निरंतर मुझे स्नेह और वात्सल्य प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर प्रस्तुत होने के लिए प्रेरणा दी। आज मैं आभार ज्ञापित करती हूँ आदरणीय सम्मी नियोजिका जी एवं सभी सम्मी जी के प्रति जिनका किसी न किसी रूप में मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। आज मैं याद करना चाहूंगी अपने पारिवारिक जनों को जिनकी सत प्रेरणाएं मुझे हमेशा प्राप्त होती रही है। श्रेणी आरोहण के इस अवसर पर मैं आप श्री के चरणों में यही निवेदन करना चाहती हूँ। वंदे आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सुगत है तो मेरा श्रद्धा का सुगत तो आज सुख देना। मेरी बचपन से इच्छा थी दीक्षा की, दीक्षा लेने की। आज मेरा पूरा मन एकदम कुशल और शांत हो गया। मेरे मन में जो श्रद्धा थी वो आज आपकी कृपा से पूरी हो गई। आपका अनंत अनंत उपकार मांग रही हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। माता मेरी कोई भी रकम की गलती हुई तो आप माफ कराना। मैं सोचती हूँ कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। अच्छा से अच्छा मैं आपके बुलाए हुए नियमों को पूरा करूँ, ऐसे मेरी भावना है। आपकी कृपा से कुछ तो आया जय।
बनना करती हूँ, मेरी कोई गलती हुई तो मैं कमर कामना करती हूँ, अब मेरी गलती को माफ करना, आगे से नहीं करो, ऐसा मेरा ध्यान है, आपको मैं बनना करती हूँ, आपकी कृपा भी मेरे पर बहुत रही, अभी आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी मैं भावना मानती हूँ, और मुझे जैसे आपकी इच्छा होगी, जैसे आप आज्ञा दोगे, उसी रास्ते पर चलने का मेरा भाव है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का नहीं है, इसलिए आप मेरे पर कृपा कराके मेरे को ज्ञान की शिक्षा देंगे, मैं आपकी बोली हुई बात को नहीं करूँगा, जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूँगा, जैसे बोलोगे वैसे मैं करूँगा, मेरा यही भाव है, क्योंकि मेरी पुरानी इच्छा पूरी हो गई, बचपन से दीक्षा भी की, 8 साल की 9 साल की उम्र से इच्छा की, दीक्षा की इच्छा थी, पर संयोग होता है नहीं ले सके, एक बार संस्था में गलती हो गई थी और फिर 1 महीना रह करके वापिस आ गई, जब मैं 9 साल की थी तो सीखी थे, पर मैं बोली मेरे को तुम नहीं याद आ रही है, मोहन दीक्षा लेंगे जब मैं लड़ूंगा, फिर घर में आई तो फिर वापिस वही भाव हो गया कि मेरे को दुर्ग दीक्षा लेनी है, दुर्ग दीक्षा लेनी, अभी मेरे पर कृपा बरस गई गुरुदेव की, और तो मैं आपका आज्ञा का पालन करूं, ऐसे मेरे भाव है, प्रभुपा जी की आपको मैं बंदना करती हूँ, कि पुत्र प्रेम करना में ममता करें, प्रधान मंगलम अपने आप को जानू और
अपनी मुक्ति हो सके किस दिशा में आगे बढ़े। दीक्षा की बहने यहाँ जादू करिश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन परम पूज्य आचार्य वर्ग सुरक्षित रहता है। भौतिक अस्त्र शस्त्रों के जो प्रहार होते हैं उनसे आदि वैराग्य क्या होता है, अनुत्सुक्यम वैराग्यम, मन में उत्सुकता का भाव व्यक्त रहता है, वैराग्य नहीं फल सकता। अनुत्सुक हो जाता है व्यक्ति, अपने आप को देखता है, अपने आप में रहता है, अपने आप में रहने का प्रयास करता है, तो उसका वैराग्य पुष्ट होता है। तो वैराग्य को तीन प्रकार का वैराग्य बताया है, दुख गर्व वैराग्य, मोह गर्व वैराग्य और ज्ञान गर्व वैराग्य। तो इस संबंध में बताया गया है, तद वैराग्य श्रितम दुख मोह ज्ञानान वैराग्य विभाग प्राप्ति संसार उद्वेग कारण। तीन प्रकार का वैराग्य, दुख गर्भित, मोह गर्भित और ज्ञान गर्भित। तो दुख गर्भित वैराग्य उसे कहा गया है कि संसार में रहने वाला प्राणी सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, किंतु वह विषय उसे प्राप्त नहीं होता। वह जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसमें निराशा हार होती है, तो फिर वह उद्विग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है और सोचता है कि इसे तो अच्छा है साधु सन्यासी बन जाए तो जीवन का एक रास्ता बन जाएगा। तो दुख गर्व वैराग्य है। दूसरा वैराग्य मोह गर्व, कुशास्त्रा ध्यास संबुद्धम भाव नैरुण्य दर्शना मोह गर्भम तो वैराग्यम मतम बाल तपस्विना। कुशास्त्रों का अभ्यास करने से जो संसार के प्रति कृष्ण का भाव पैदा होता है वह मोह कर्म वैराग्य है। और जितने भी बाल तपस्वी है उनके वैराग्य को यह मोह कर्म वैराग्य माना गया है। समय ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि तेरा पंच में दीक्षा देने का अधिकार केवल आचार्य को रहेगा। दूसरी बात, दीक्षित होने वाला अपना शिष्य शिष्य नहीं बना सकेगा, ये एक विशेष बात है। जब दूसरी संप्रदाय में तो अपना अपना शिष्य शिष्य बनाने की परंपरा है, तो इस दृष्टि से यह मानना चाहिए कि तेरा पंथ की दीक्षा विलक्षण है। और सबसे बड़ी बात है जो दीक्षा की दीक्षा देने के लिए समुद्यक है उन्हें यह सोचना है, समझना है कि यहाँ तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य का अनुशासन आचार्य की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है, कहाँ चतुर्मास करना है, आचार्य का जैसा निर्देश होता है वैसा ही करना होता है। एक तरह से अपने मन को गुरु चरणों में समर्पित करना होता है। साधु जी उनके कष्ट है वो तो है ही, भूख प्यास सर्दी गर्मी इन सब का मन का दाना नहीं करना, मन को गुरु चरणों में समर्पित करना। यद्यपि गुरु उसके विकास का पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसकी साधना अच्छी हो सके, शिक्षा अच्छी हो सके, बीमारी की अवस्था में उसकी चिकित्सा अच्छी हो सके, ये सारी व्यवस्थाएं आचार्य करते हैं। लेकिन मूल बात है कि गुरु के प्रति इतना भरोसा हो तब व्यक्ति निश्चिंतता के साथ अपनी साधना कर सकता है। उत्सुकता रहती है, इतनी आतुरता रहती है उस कार्यक्रम को देखने की। एक वैराग्य भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा देखने वाले लोग भी अगर दीक्षा के उपलक्ष्य में कुछ संकल्प स्वीकार करे तो दीक्षा देखना अधिक सार्थक हो सकता है। तो आज चार संबंधी और तीन बहनों को विकसित करने वाले हैं, तो मैं शिक्षा की बहनों और समझियों से यही कहना चाहते हैं कि वे गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए अपने जीवन को गुरु चरणों में सर्वथा समर्पित करते हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़े और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। मुगल उद्बोधन को हमने सुना और अभी पूज्य प्रवर की सन्निधि
आचार्य धारमल महाप्रयाण द्विशताब्दी समारोह का कार्यक्रम समायोजित है। और आचार्य भिक्षु को भी वे तो गुरु थे,
अच्छे शिष्य रत्न दिए गए। योग्य उत्तराधिकारी सामने प्रस्तुत हो जाता है, नियुक्त हो जाता है और आचार्य अनेक कार्यों का दायित्व उसमें सन्निहित कर देते हैं। तब वर्तमान आचार्य को हम रे ये काम ये देख रहे हैं, अब मैं कुछ इन चीजों से मुक्त रहकर अपने दूसरे कार्य आप कार्य करना हो तो उसमें ज्यादा समय लगा लो या अपनी कोई साधना करो या और शिक्षण प्रशिक्षण ये काम करो तो व्यवस्थाओं के अधिक कार्य भी देख रहे हैं। तो ऐसे कोई योग्य व्यक्ति विधिवत सामने प्रस्तुत हो जाते हैं तो आचार्य गण चिंता से पूर्णा सूर्य नहीं तो कुछ अंशों में भूख हो सकते हैं। परंतु जी आचार्य तुलसी ने तो बहुत काम तो किया ही था। एक समय आया कि उन्होंने जो आचार्य की नियुक्ति कर दी तो मुझे लगा जो आचार्य की नियुक्ति के बाद भी वे काफी व्यवस्था के कार्यों में कई वर्षों तक सक्रिय भी रहे। संभवतः उसका एक रीजन यह हो सकता है कि महाप्रभु जी और काम में लगे हुए हैं आगम आदि काम में तो इनको इन व्यवस्थाओं के कार्यों में ज्यादा क्यों लगा, ये वो काम करते ही आगम आदि वो एक चिंतन उनका रहा हो सकता है। एक समय आया जब आचार्य तुलसी ने न धूल न धूल तो लाडनों में करवाया था और प्रशासनिक कार्य युवाचार्य भी थे प्रशासनिक कार्य युवाचार्य भी थे महाप्रभु जी देखे लोगों को सेवा कराना और ये संभाले। मुझे स्मृति किसी लाडनों की किसी सुंदर मात्रा किसी कांवर की वो बात है तब युवाचार्य भी काम देते हैं कई कार्य ये काम ये कर दे ये काम ये कर दे ये कर दे। और आगे समय आया जब आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया, गण चिंता मुक्त का पद मुक्त भी हो गए थे। फिर भी पद मुक्त थे आचार्य श्री महाप्रभु जी विधिवत एक औपचारिक ऑफिसर अधिकृत व्यक्ति हो ही गए थे और यो दोनों में कुछ अंशों में इतनी एकता सी संभव थी कि आचार्य श्री थे तो गुरुदेव तुलसी जी थे एक एक से कुछ अंशों में प्रतीत होते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि खाली महाप्रभु ने तुलसी को देखो तुलसी ने महाप्रभु को आचार्य भिक्षु को भी एक शिष्य ऐसा मानो मिल गया जो मानो उनको भविष्य की चिंता से मुक्त करने का। तो वह शिष्य रत्न था भारवत जी स्वामी मुहावर। आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1832 में मुनिश्री भारद्वाज जी मुहा मानव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाने के बाद संघ ने आचार्य युवाचार्य किए जोड़ी हो जाती आचार्य का मानव भाग्य होता है संघ का भाग्य होता है तब कोई योग्य शिष्य भावी आचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। आचार्य सुनि भारद्वाज जी स्वामी को अपना उत्तर
उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। करीब 28 वर्ष वो कामकाजियों की बड़ी बात होती है, इसलिए शारीरिक सेवा करना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो नौ प्रकृति जटिलों को अपने शिकार में रख लेना वो भी एक किस्म की सेवा होती है धर्म की, क्योंकि इनको भी कोई बाधा नहीं तो बारे में ना रखने सेवा का रखने साधने का रखने कुछ तो रखे। मैं कभी वो मेन दिन मुख्य दिन कल का है, आगामी कल माघ कृष्णा अष्टमी का है, जैसे कल सप्तमी अष्टमी संयुक्त है और 25 जनवरी दिनांक के हिसाब से कल आ रही है, तो हमें आध्यात्मिक तरीके से बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कल कोई कर सकते हृदय प्रदर्शन करे, गौर से कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, उपवास आदि भी कर सकते हैं। उनमें अधिकृत सर्वोच्च अधिकृत दायित्व हैं, तो साधी प्रमुख आदि गलत कदाधीन है, इसलिए साधी प्रमुख आदि को बहे तो आपसे साधी दुर्गा से भी बात कर लेते हैं। साधी प्रमुख आदि से जो आपको देख भगवान की शांति बनती है तो साधी मेरी बात को डाटा तो आपसे मान लो संबंध है तो आपकी क्या है इसका लायक है नहीं, इसलिए और माता पिता की आज्ञा की जरूरत नहीं है समयों के लिए। हम लोग जो अपना ध्यान देकर के निर्णय कर लेते हैं तो चार जो समयिया है दो मुमुक्ष उपायों है, मुमुक्ष सुर भी मुमुक्ष चेतना, पर समयों में वृद्धि प्रज्ञा की प्रशांत प्रज्ञा की मनुष्य प्रज्ञा सरल प्रज्ञा चार समयिया है। श्री कुमार संबंधी की माता जी सूरज भाई जी सात कुल है, तो ये तो माता पिता दो भी है, बेटा दो माताएं माताएं के बेटी आती है आगे आगे आप आते हैं ना हिस्सा दे माता पिता खड़े माता माता जितना की माता पिता हिस्सा देते हैं इनको तो आप भी आएंगे। पहले समयों से पूछना चाहूंगा, देखो पहले तुम समी थी तो समी में और सामी में कुछ चर्चा संबंधी या कुछ व्यवस्था संबंधी अंतर समी से सामी बदलना कुछ कठिन हो सकता है। तो क्या तुम्हारी योग्यता तुम बहुत सुख रहे हो, बहुत सुख रहे हो तुम्हारी मानसिक अब दोनों ये दोनों हैं। देखो कभी तक तो तुम देश में तो ये सांगीता है ये वो कुछ परंतु हो तुम गृहस्थ तुम देख लो ये सांगीता जीवन है ना यहाँ के लिए अनुशासन में रहना हो क्रिया संयम का पालन करना ये सब तुम्हारे लिए सब तो क्या देख सोच लो अच्छी तरह एक बार आप बुझ के सोचो तुम्हारे संभव है तुम्हारे थोड़ा और सोचो कोई शर्म की बात नहीं है। अभी तो तुम्हारे माँ बाप जो बैठे हैं या संस्था है तो तुमको हिस्सा नहीं भी दिया अगर कमजोरी हो तो वरना कोई बात नहीं तुम तैयार ठीक है। अब जो कुमार शरण जी के माता जी हैं अब देख लो संयम जीवन का काम संभव है क्या पालन आ गया संभव आ गया बेटर 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 कुमार
प्रभा जी सुनंदा सिंह बाप मिल सावरिया सब जी को दिल में उनकी एज भी है उनकी एज भी है उनकी एज है तो कभी कोई जबरदस्त हो गया तो उतना सी मंगल
मंगलम गतिमान भिक्षु मंगलम राय मंगल है मंगलम राय तंत्र मंगलम तुलसी महाप्रभोस्तु मंगलम केरा नमो अहंकार नमो इच्छान नमो आयुर्यान नमो उपसायान नमो लोके शब्द कामून केशो पंच नमो काल शब्द पांग कनासन मंगलां च सभ्येषु पद्मं भवति मंगलम् परे भक्ति सामान्य शब्दं साहब्दं भोगं प्रत्यक्षान् दावत जीवाय किवि हम किवि भेनम् मनेन वायाये कार्येन न करे न कार्ये कर्म तम के अन्नम न समं दामान तस्य भुंगे परिक्रमान विंदान गरिहान अपान गोस्मान जीवन भर के लिए तीन काल तीन योग से सब सामग्रियों का त्याग है और ये साध्या बन गया
यह इस रोज जो जैन शासन की देवता है, पुरानी प्राचीन परंपरा है, तो दीक्षा के समय तो हमारी दिशा में प्राय बार तो पहले से अपनी भाषा से ग्राम दीक्षा के बाद थोड़े से बचे हुए बाल वो धीरे करते हैं दीक्षा देने वाले आचार्यों को संतों के तो वो ले लेते हैं। साध्वियाँ होती है तो दो प्रमुख साध्वी होती है सामान्य तया, जैसे कभी साध्वी प्रमुख था परंपरवादी साध्वियों में प्रमुख है तो वे आमतौर से मतलब जहाँ दो प्रमुख साध्वी हो ऐसे साध्वी प्रमुखवादी लेते हैं और साध्वी प्रमुखवादी सातों का छोटी के जो गांव होते हैं उनका वो किस लोग इस समय दीक्षा के लेने के बाद में खुला
मां की कृष्णा सच्ची है और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के द्वारा मंत्री मुनि के रूप में स्थापित मंत्री मुनि श्री जगन्नाथ जी स्वामी का आज प्रयाण का दिन, यानी यह विक्रम संवत 16 विक्रम संवत 2016 में भगवान मुनि श्री का सर्राष्ट्र में प्रयाण हुआ था। आज उनको मिलने का मौका नहीं मिला, वही मेरे साथ हुआ कि मेरे द्वारा विनय पूर्वक जो विश्व स्थापित श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुरेंद्र जी स्वामी दान हूँ, मैं भी यात्रा में था तो काफी उनके दर्शन करने का मौका मुझे नहीं मिला। जैसे गुरुदेव तुलसी के साथ में जो हुआ वही मेरे साथ हुआ। तो मैं मंत्री मंत्री जगन्नाथ जी स्वामी को भी सम्मान के साथ उनको भी वंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि ऐसे मंत्री मुनि हमारे संघ को सर्वम मंत्री मुनि करके Yeah.